स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज टेक मीडिया की स्पेशल इंटरव्यू सीरीज राजनीति और आम आदमी। इस वीडियो में हम आपको मिलवा रहे हैं मनोज जी घुमरिया से। बसपा पार्टी ने इनको इस विधानसभा चुनाव के लिए खेतड़ी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा के प्रत्याशी घोषित करने से पहले जनता का नजरिया कुछ और था और प्रत्याशी घोषित करने के बाद में अब जनता का नजरिया कुछ और है। इनसे जानेंगे क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्याएं इन्होंने खेतड़ी में देखी हैं, सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ये स्पेशल इंटरव्यू आपके लिए है। मनोज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। खेतड़ी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जब तक आप प्रत्याशी नहीं बने थे तब तक जनता कंफ्यूज्ड थी कि आपकी तरफ आए या किसी और की तरफ जाए। अब माहौल कुछ बदलता नजर आ रहा है, जो लोग कंफ्यूज थे उनको एक चेहरा नजर आया है। आप एक समाज सेवी हैं, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपने जन कल्याण के कार्य किए हैं, अपनी खुद की योजनाएं चला रखी हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह से जनता को आप प्रत्याशी घोषित करने के बाद में भरोसा दिलाएंगे कि वो आप पर विश्वास करें? मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश जी, हमारे राजस्थान के दोनों जो प्रभारी हैं माननीय अशोक सिद्धार्थ साहब, माननीय रामजी गौतम साहब, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी और हमारे ज़िले की कार्यकारिणी, समस्त बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, साथ ही साथ खेतड़ी की जनमानस, सभी भाइयों ने और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने, खेतड़ी के जनमानस ने मुझे वो आशीर्वाद दिया, और इस भावना को, खेतड़ी के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी ने इस बात को समझा कि हमें खेतड़ी के इच्छा को पूरा करना है और खेतड़ी जनता जिसको इस बार चुनना चाहती है उसी व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। मैं इस चीज के लिए माननीय बहन जी के साथ साथ खेतड़ी के सर्व समाज को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो आपने कहा है कि जिस प्रकार से टिकट के साथ में एक प्रत्याशी के रूप में जो जिम्मेवारियां आज मुझे दिख रही हैं और जो चुनौतियां सामने हैं उनको देखिए, मैं भी सहर्ष स्वीकार करते हुए मैं इन सब चीज़ों के लिए खेतड़ी के जनमानस की हर उम्मीद को पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो भी भाई ये विचार रखते हैं कि एक खेतड़ी क्षेत्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए हमारे यहाँ पे जो भी असुविधाएं हैं, जो आज तक राजनेताओं के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों के अंदर हमारे खेतड़ी क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, हम उन सभी क्षेत्रों के ऊपर चुनाव से पहले ही फोकस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसी दिशा में मैंने युवाओं के लिए कोचिंग क्लासों की स्थापना और साथ ही साथ जो हमारे सरकारी स्कूलें हैं इन स्कूलों के अंदर रख रखाव, इनके मेंटेनेंस और वहाँ अच्छी सी व्यवस्थाएं हमारे जो बच्चे हैं उनको मिलें, इन सब चीज़ों पर जोर दे रहा हूँ। साथ जो पेयजल की बड़ी समस्या है इसके लिए भी बहुत बड़े लेवल पे काम हम लोगों ने किया है। इसमें ट्यूबवेल करा के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने का काम किया। कई जगह हमारे द्वारा टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो ऐसे परिवार हैं जिनमें या तो माता पिता दोनों ही नहीं है या पिता नहीं रहे, तो वो मेरी विधवा बहन और उसका पूरा परिवार आज किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे, उन लोगों की सहायता करने के लिए आगे आके और एक पेंशन स्कीम, ये ऐसे काम है जो आप सब लोगों के बीच में मैं चुनाव से पहले कर रहा हूँ कि बाद में चुनाव जीतने के बाद या खेतड़ी की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैंने आप लोगों के माध्यम से कई बार बताया है। मेरा विजन स्पष्ट है, मैं खेतड़ी के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, खेतड़ी जनमानस के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सर्व समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ एक सुंदर हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ जो हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की सेवा करे।
मैं यहाँ वो शिक्षण संस्थान देखना चाहता हूँ जिससे बच्चे पढ़ लिख के और इंजीनियर और डॉक्टर बने। मेरा सपना है कि हम खेतड़ी के युवाओं के लिए यही रोजगार के साधन मुहैया करवाएं। यहाँ जो भी वर्तमान और पूर्व नेता, इन लोगों ने इन चीजों पे कभी भी जोर नहीं दिया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि वर्तमान विधायक महोदय ने कई जगह बड़े बड़े रिको इंडस्ट्रियल एरिया और अन्य बोर्ड लगवा दिए, लेकिन धरातल पे आज भी आप देखेंगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाना, पट्टिकाएं लगाना, शिलान्यास करना, इन सब चीजों से बात नहीं बनने वाली। हकीकत में इन सब चीजों को ग्राउंड पे लाना होगा। अगर आप अपने क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंडस्ट्री को भी ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है यहाँ एक सुटेबल माहौल बने और सभी तरह की जो इंडस्ट्री को आमंत्रण करने के लिए यहाँ आके कोई आदमी व्यापार करे, उसकी जो जरूरी आवश्यकता की चीजें हैं उन चीजों को उपलब्ध कराया जाए। और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक सहयोग की भावना रखें, तब जाके हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर पाते हैं और हमारे लोगों को रोजगार दे पाते हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। खेतड़ी टूरिज्म के लिए भी एक बहुत उचित स्थान है और मेरा फोकस है कि मैं टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए होटल, जो एक छोटे छोटे होटलों का एक चयन बनाया जाए जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और हमारा क्षेत्र जो है हमारे देश के साथ साथ विश्व के मानचित्र के ऊपर जाना जाए। एक टूरिज्म का एक स्थान बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, ये मेरी योजनाएं हैं। मेरी जो बहनें हैं इनके लिए विशेष रूप से यहाँ कताई बुनाई के जो काम हैं, इस प्रकार की योजना हमने बना रखी है। कुछ आचार से जुड़े हुए कुछ रोजगार के संसाधन हैं। हर बार ये कहता हूँ कि इंसान की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो रोजगारी, खाली पेट कुछ भी नहीं कर सकता। और हम जब तक रोजगार नहीं उपलब्ध कराएंगे क्षेत्र की उन्नति संभव नहीं। खेतड़ी की जनता काफी समय से राजनीतिक बदलाव चाह रही थी। इस बार आप एक दिग्गज राजनेता की तरह उभर रहे हैं, आप एक जनसेवक के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि पहले तक खेतड़ी की राजनीति एक सीमित दायरे तक थी। आप उस दायरे से निकलकर लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, खेतड़ी में जो राजनीति अब तक चल रही थी, अब आपके आने के बाद लोगों का कैसा नजरिया है, आपके प्रति कैसा आपका सामंजस्य है? क्या राजनीतिक परिवर्तन होना जरूरी था? क्या वो राजनीतिक परिवर्तन आप कर पाएंगे जिसकी जनता को उम्मीद है? निश्चित रूप से खेतड़ी की जनता के सामने ऑप्शन नहीं थे। और अपना मन मार के आदमी किसी ऐसी जगह की चलो वोट तो करना ही है, लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी ताकत है मतदान, और मत का दान इंसान करता ही करता है। लेकिन एक उसके सामने एक चॉइस हो कि वो समझे इस बात को कि मैं जिस व्यक्ति को चुनने जा रहा हूँ वो इस लायक है और वो ईमानदार व्यक्तित्व वाला इंसान है जो हमारे क्षेत्र में हर किसी व्यक्ति को साथ लेके और जरूरतमंद की आवश्यकता को पूरा करके और सबको साथ लेने वाला इंसान होगा। वो अगर आपके बीच में है तो हर समाज और हर व्यक्ति खुश होकर मतदान करेगा। यही एक ऐसा एक खाली स्थान था जिसको लोग बाग ऐसा कह सकते हैं कि मेरे रूप में भरा हुआ देख रहे हैं। और आगे आप ये तो चुनाव में देख पाएंगे कि लोगों की भावनाएं और उनका जो निर्णय है वो दोनों एक है। मेरा मानना है कि खेतड़ी जनमानस बहुत पहले से ये मानस बना लिया, साथ ही साथ टिकट जैसी कोई जो हमारे बीच में एक पार्टी का सिंबल होता है वो एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो गई थी कि भाई टिकट किसको मिलेगा किसको मिलेगा। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा अगर अच्छा क्रम है और हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं और साथ ही हम एक हर क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो नेशनल लेवल पे नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उन सबको इस बात की जानकारी होती है और वो ही परिणाम के रूप में ये टिकट है। चाहे कोई कुछ भी इसकी विचार बनाए या अवधारणा बनाए, लेकिन सच्चाई यही है कि खेतड़ी की जनमानस की आवाज को मान्य बहन जी ने टिकट दी है।